हाथों में मेहंदी लगाए दुल्हन के जोड़े में एसपी कार्यालय पहुंची। दुल्हन ने लगाई न्याय की गुहार। जी हां, दहेज लोभी ससुरालियों के द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने पर दुल्हन के घर से बारात वापस चली गई। इस प्रकरण में दुल्हन पक्ष ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर पड़े रहे। बता दें कि थाना जखौरा अंतर्गत कस्बा बांसी के मजरा खरुमापुरा निवासी राम प्रसाद कुशवाहा ने अपनी पुत्री मंजू का विवाह तालबेहट के ग्राम खादी अंतर्गत मजरा नाटो चक में रहने वाले पप्पू कुशवाहा के पुत्र राम सिंह के साथ तय किया था। आरोप है कि शादी तय होते ही लड़का पक्ष से पप्पू पुत्र स्वर्गीय हजारीलाल राम सिंह व अरविंद पुत्रगण पप्पू व राम प्रसाद द्वारा किसी भी प्रकार के दहेज देने की बात नहीं कही गई थी। बताया कि 23 अप्रैल को फलदान में उन्होंने लड़के को एक पल्सर गाड़ी और 50,000 रुपये नकद और परिजनों को कपड़े बर्तन आदि दिए थे। इस बात पर दूल्हा पक्ष बिफर गया और दहेज में 5 लाख रुपये नकदी की मांग करने लगा। 5 लाख रुपये देने में असमर्थता व्यक्त करने पर लड़का पक्ष के द्वारा तूतू मामे और गाली गलौज करने लगे, लेकिन मेहमानों के समझाने पर मामला लड़की पक्ष के तरफ से आरोप लगाया गया है कि दूल्हे के बड़े भाई के द्वारा रकम नहीं मिलने पर दूल्हे को घर लेकर चला गया। बिना शादी की बारात वापस लौट जाने पर हाथों में मेहंदी लगाए दुल्हन और उसके परिजन एसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी ललितपुर व दुल्हन और उसके परिजन। क्या नाम है आपका? मंजू नाम है। क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? ये मारपीट की हमारे घर आकर। नहीं, क्या हुआ है? आपकी दुल्हन के जोड़े में है, आपकी शादी? हाँ, हमारी शादी थी। क्या हुआ? जी हुआ कि वो शादी नहीं कर रहे, वो मांग रहे। जी वो लहेंगे 1 लाख, 5 लाख रुपए और एक पल्सर गाड़ी, इसलिए हमारे पापा ने दे नहीं पाई है। बारात में क्या आए थे? हाँ आए थे। बारात खाली ऐसे लेके चले? हाँ ऐसे चले गए लेके। बोल रहे थे कि दहेज दो। अच्छा, कब शादी तय हुई थी? हमारी शादी 24 तारीख। दूल्हा कौन था? दूल्हे के परिजन कौन है, कहाँ के लोग थे? दूल्हा राम सिंह थे और उनके परिजन पप्पू अरविंद और उनकी माताजी का नाम है मक्खन, उनकी हमारी जी उनकी भाभी का नाम है धनकुआरी जी, चक्क की रहने वाली है। बारात कब? रात को ही वापस ले गए? हाँ रात में ले गए थे वापस। नहीं कुछ नहीं हुआ, कार्रवाई चाहती थी। असल बिना दुल्हन के बारात लौटने का एक मामला सामने आया, क्या खुशी है? ये थाना जखौरा के बांसी चौकी क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें कुशवाहा समाज के दो पक्षों में शादी के लिए लड़के लड़की का रिश्ता तय हुआ था, जिसमें शादी की बारात आई हुई थी। जो कन्या पक्ष है उनकी तरफ से अभी हमें आवेदन प्राप्त हुआ है, तहरीर मिली है। उस तहरीर के अनुसार जो वर पक्ष है वो अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहा था, जिसको लेकर के कन्या पक्ष देने में अक्षम अपने को असमर्थ बताया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, लड़ाई झगड़े हुए और बिना ही शादी किए ही वर पक्ष वापस लौट गया। इसके संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है, आगे की जो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर जो विधिक कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी।